कौन होगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की लीड एक्ट्रेस? क्या अक्षय कुमार को पे किया जाएगा सबसे ज्यादा अमाउंट? किस वजह से बड़ा फिल्म का बजट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा, बॉलीग्रैड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1998 की क्लासिक फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रीमेक के बारे में, और साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म की हीरोइन कौन होगी और किसको कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डायरेक्टर अली अब्बास जफर 2023 में 1998 की हिंदी क्लासिक मूवी का रीमेक लेकर आ रहे हैं, जिसको वासु भगनानी और जैकी भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था। फिल्म के मेन कैरेक्टर्स लिए दो अलग जनरेशन के एक्टर स्टार्स अक्षय और टाइगर को लिया गया है, लेकिन अभी भी बाकी की कास्ट से पर्दा नहीं उठाया गया है। 1998 की बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रवीना टंडन और रमाया कृष्णन ने अच्छे से साथ निभाया था और फिल्म को सुपरहिट बनाया था। किसी भी फिल्म को हिट बनाने में एक फिल्म में फीमेल लीड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए इस फिल्म के लिए भी अक्षय और टाइगर जैसे खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए ऐसी हीरोइनें होनी चाहिए। और इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान और श्रद्धा कपूर का नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। करीना अक्षय और श्रद्धा टाइगर दोनों ही ड्यू ने कई फिल्में एक साथ की हैं और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सबको पसंद भी आती है, और दोनों ही एक्ट्रेसेस कॉमेडी, एक्शन, रोमांस के किसी भी किरदार को अच्छी तरह परफॉर्म करना जानती हैं। इसके अलावा डायरेक्टर अली कैटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है, भारत और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और उनके अलावा शाहिद के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए डाइना पेंटी को लिया है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए अक्षय को सबसे ज़्यादा पे किया गया है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 160 करोड़ रुपए लिए हैं, जबकि फिल्म के दूसरे लीड टाइगर को इस फिल्म के लिए 40 करोड़ रुपए मिले हैं और दोनों को ही 1/3 पेमेंट कर दिया गया है। अक्षय का पेमेंट ज़्यादा होने की वजह उनका वक्त, उनका स्टारडम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अलावा उनके पास लगभग 5 और फिल्म शेड्यूल है, और इंडियन सिनेमा में ये पहले से चलता आ रहा है कि किसी भी एक्टर की डेट्स खरीदने के लिए उन्हें ज़्यादा पे किया जाता है। साथ ही डायरेक्टर अली को भी फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 का बजट अभी तक किसी भी हिंदी फिल्म से बड़ा होता जा रहा है और जो 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एक्टर्स की फीस के अलावा फिल्म के ट्रीजर से ये साफ पता चल रहा है कि हाई टेक्नोलॉजी और VFX का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही फिल्म की शूटिंग भी इंटरनेशनल लोकेशंस पर की जाने वाली है और ये फिल्म डबल एक्शन वाली होगी, क्योंकि फिल्म में दो दो एक्शन हीरोज हैं। इन सभी फैक्ट्स की वजह से फिल्म का बजट इतना ज़्यादा है और शायद और भी बढ़ सकता है। आपको क्या करीना अक्षय, श्रद्धा टाइगर की जोड़ी पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।